को एक संपूर्ण प्रभुत्व बनाने के लिए आंशी, आपको आज किस तरह का सम्मान मिल रहा है? आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मुझे इतने उच्च पद पर बैठने के लिए एक दिन का मौका मिला है, अवसर मिला है। मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। क्या संदेश देना चाहेंगी अन्य लड़कियों को और उन माँ बाप को? यही संदेश देना चाहूँगी कि वो बिल्कुल भी डरे ना, और उन्हें जो करना है वो निडरता पूर्वक करें। उनके साथ सभी लोग हैं, इसलिए उन्हें किसी बात की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत। सर, आज बेटियों के द्वारा ध्वजारोहण कराया गया जिले में विभिन्न सरकारी दफ्तरों पर, क्या रणनीति थी? क्या वर्तमान में चूँकि नारी शक्ति मिशन के तहत नारियों को जागरूक करने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए एक अभियान चल रहा है, उसी के क्रम में आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम है उन बेटियों से कराया गया है। और हमारे यहाँ आज अंशी जो इस ज़िले की इंटरमीडिएट की टॉपर बालिका है तिरवा की, उनके द्वारा ध्वजारोहण कराया गया है। और एक तरह से सांकेतिक जिलाधिकारी के रूप में आज उन्होंने सारे जो दायित्व हैं उनका निर्वहन कर रही हैं।